ढाई साल पहले जब यूपी में बहुत बड़ा मैंडेट आप लोगों को मिला, उस वक्त जब मुख्यमंत्री का चयन होने की बात आई तो आपका नाम मीडिया वगैरह में कहीं था नहीं। इनफैक्ट एक केंद्रीय मंत्री का नाम बहुत ज़्यादा था, आपके कुछ कैबिनेट कॉलीग्स का नाम था, और सडनली एक दिन शाम को पता चला कि आप स्पेशल फ्लाइट से दिल्ली गए और दूसरे दिन आपका नाम घोषित कर दिया। उस दिन क्या हुआ, ये चयन कैसे हुआ, किस कौन आपसे मिला, क्या? मुझे भी नहीं मालूम था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है जी। मैं उस लाइन में कहीं था भी नहीं, ना मैं उस प्रतिस्पर्धा में कहीं अपने को रख रहा था। हाँ, चुनाव कंपेन में मैं पूरे प्रदेश के अंदर गया था, जहां भी पार्टी ने लगाया था मैं वहां उस कार्यक्रम के साथ जुड़ा था। मुझे चुनाव के दौरान, उस समय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी थी, तो उन्होंने चुनाव के दौरान मुझे फरवरी अंत में फोन किया, लगभग 25-26 फरवरी के आसपास फोन किया था उन्होंने, योगी जी पोर्ट ऑफ लुइस में एक डेलीगेशन, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन जा रहा है, आप उसमें चले जाइए। तो मैंने कहा देखिए मेरी बहुत रुचि नहीं है, मैं चुनाव में लगा हूं और 6 मार्च तक चुनाव चल रहे हैं, 6 मार्च तक तो मुझे समय नहीं। उन्होंने कहा नहीं, 6 मार्च के बाद जाना है, आप अपनी सहमति दे देंगे तो हम आपका देना चाहते हैं और आप उसको लीड करिए। मैंने कहा 6 मार्च के बाद मैं खाली हो जाऊंगा, उसके बाद जा सकता हूं। तो चुनाव का काफी हम लोगों का बड़ा वो था, तो व्यक्ति भी ये चाहता था कि भाई चलो चुनाव के उससे हट करके अब बाहर चले जाएंगे। 6 तारीख को हमारा चुनाव संपन्न हुआ और 8 मार्च के आसपास मैं दिल्ली गया था। मेरा पासपोर्ट आदि पहले जा चुका था। 10 के आसपास मुझे बताया गया कि पीएमओ ने आपका पासपोर्ट वापस किया है और आपको नहीं जाना है। तो खैर, मैं अगले दिन काउंटिंग होनी थी तो मैं तो गोरखपुर की फ्लाइट पकड़ा, गोरखपुर चलाया जी। लेकिन सुषमा जी का फोन मेरे पास जरूर आया, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने आपका वो वापस किया है और उनका कहना है कि कल इलेक्शन का काउंटिंग होना है यूपी का, उनका योगी जी का यहां रहना आवश्यक है और इसलिए जो है आप बाहर नहीं जाएंगे, आपकी जगह कोई दूसरा जाएगा। मैं आया, अगले दिन काउंटिंग हुई, काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से चुनाव जीती। 13-14 में होली थी तो मैं होली को गोरखपुर में रहा, होली के बाद मैं दिल्ली गया था। 16 को मैं दिल्ली गया था, 16 को दिल्ली पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक थी, तो संसदीय दल की जो हमारी बैठक होती है उस बैठक में भाग लिया। तो मेरी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि आप कब आए हैं, मैंने कहा मैं तो आज ही आया हूं। उन्होंने कहा कुछ बात करनी थी, तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, तो मैं उनकी आवाज पे गया। तो खैर सामान्य चुनाव के बारे में बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि कहीं यूपी यहां छोड़ के मत जाना, दिल्ली छोड़ के अभी कहीं मत जाएगा, कुछ बात करेंगे हम। तो कुछ इंडिकेशन दे रहे थे वो, लेकिन साफ नहीं था कि आगे कुछ बात करेंगे। तो मैं ये मान के चला भाई चुनाव हो चुके हैं, परिणाम आ चुके हैं, कौन सी बात होनी है। तो मैं उसी दिन फिर 17 तारीख को मॉर्निंग में मेरा पार्लियामेंट में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन लगा करके दोपहर की फ्लाइट से मैं गोरखपुर चला गया। 17 की शाम को मेरे पास फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी का फोन आया कि कहाँ हैं आप, मैंने कहा मैं तो गोरखपुर में आ गया हूं। कह रहे यार गोरखपुर क्यों चले गए, मैंने तो कहा था यहां रहने के लिए। मैंने कहा मैं गोरखपुर चलाया, कोई कार्य था नहीं मेरा दिन में तो मैं गोरखपुर चलाया। कहा कि आप तत्काल दिल्ली आ जाइए, कोई जरूरी बात करनी है। तो मैंने अच्छा, शाम के 6 बज रहे थे तब तक, तो मैंने कहा इस समय तो कोई ट्रेन भी नहीं है और प्लेन भी नहीं है, मैं यहां से अगर लखनऊ भी जाऊंगा तब तक अंतिम फ्लाइट लखनऊ की भी निकल चुकी होगी। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, कुछ मत करना, एक काम करे कल मैं सुबह एक चार्टर्ड प्लेन भेज रहा हूं, उसी से दिल्ली चले जाना और किसी को बताइएगा मत। मैं फिर तो मैं अगले दिन फिर उसी फ्लाइट से दिल्ली गया। दिल्ली में लगभग 11 बजे के आसपास मैं पहुंचा था,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट हुई, तो उन्होंने कहा कि उसी फ्लाइट को लेकर के आप सीधे लखनऊ चले जाइए और शाम को 4 बजे आपको नेता विधायक दल का विधानमंडल का चुनाव होना है, उसमें आपको चुना जाना है और आपको कल शपथ लेनी है। तो ये एक प्रक्रिया थी, उसमें उसके बाद फिर 19 को शपथ ग्रहण हो, 18 तारीख शाम को घोषणा होती है और 19 को शपथ लेता हूँ। तो आपकी बात सुनकर ऐसा लग रहा है कि उनके दिमाग में आप हरदम थे, क्योंकि बीच बीच में आपको इस तरह की बातें वो कर रहे थे कि आप दिल्ली में रहिएगा, दिल्ली छोड़कर जाइएगा मत। तो अमित शाह जी के दिमाग में बात जरूर थी कि कहीं ना कहीं आपको ही यहाँ का मुख्यमंत्री बनाना है। हाँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वो सोच करके चयन किया होगा जी। तो ये सारा एपिसोड मेरे सामने ये था।